Good evening, everybody. Okay, fine. Good evening, everybody. Good evening. हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? फिर कैसा चल रहा है? Good evening, everybody. Good evening. Good evening, सौरभ कुमार. मैम को ऐसे बोलते हैं? जागृति और रिधिमा, अभिषेक श्रीवास्तव. अभिषेक, तुम्हें मैंने बहुत दिन बाद देखा. अभिषेक कहाँ थे तुम? प्रीति सिंह, और कौन है? मेघा, मेघना, रोहिला, और कौन है? अश्विन, सुमित, विनायक, अल्पना. वाह, बच्चों के नाम तो एकदम टॉप क्लास है भाई. हाँ, विनीता, आज विनीता का नाम मैं कम लूंगी. कल ऐसे कंट्रोवर्सी हो गई थी विनीता के नाम पे. मैम की फेवरेट है विनीता. हाँ, पता नहीं बच्चों को ऐसे क्यों लग जाता है. हाँ 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 भाई दिनेश. यार तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, तुम ये साथ में कैसे गेम, कैसे गेम कह रही, मेंटी क्विज कैसे साथ में खेलते हो तुम लोग, है ना? हाउ डू यू डू दैट? इज इट इवन पॉसिबल? हाँ बताओ बताओ. हेलो गुरु माँ, कैसे हैं आप? आलिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुरु माँ बना दिया, वाह. दिया मैम, गुड इवनिंग. कभी भी नाम नहीं लेते मैम. दिव्या, ले दिया ना मैम ने नाम. देखो आपको यहाँ पे बोल भी बता भी दिया मैम ने. हाँ भाई, चलो दिव्या को गुड इवनिंग कर दो भाई सब लोग. बस खुश, अब तंग मत हो ना, अब मुझे मत बोलना फिर अब. और बताओ, इम्पॉसिबल इज नॉट इन हिज डिक्शनरी. इन हिज डिक्शनरी, अच्छा वो दैट वे. अच्छा अच्छा, और बताओ कैसे हो तुम? मजे किए कि नहीं किए बताओ? काफी दिन बाद पूछ रही हूँ मैं, मजे किए कि नहीं किए? हाँ, तूफानी तो तुम कुछ करते नहीं हो. हाँ कि मैम एक बार तूफानी करेंगे हम, बस नीट क्लियर कर देंगे, वही वही तूफानी है हमारा. हाँ बताओ, किए मजे कि नहीं किए? मजे में हो? आलिया मैम, आलिया मैम, ये रुक कैसे गया यार? चलो भाई, ओ अच्छा अभी चल रहा है. अच्छा ठीक है ठीक है. मैम ये लेक्चर है, ये बिल्कुल लेक्चर है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे और सब कुछ रहेगा. बट पहले तो मैं पूछ रही हूँ तुम्हें, बताओ. हाँ अच्छा मैम, क्लास स्टार्ट कीजिए. हाँ करते हैं ऐसे ना, ऑर्डर. मैम क्लास स्टार्ट करो, बस बहुत हो गया. क्यों? डोंट, आई हैव द राइट टू टॉक टू यू. हाँ मेरा भी मन करता है तुमसे बात करने का, थोड़ी देर, पाँच मिनट के लिए भी तुमसे बात कर लूँ. तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मेरा तो बहुत मन करता है यार तुमसे बात करने का. तुम्हारा नहीं करता क्या मैम से बात करने का मन? फिर पूरे टाइम तो हमने तो करना ही होता है, फिर लिखना तो होता ही है, फिर पढ़ना होता है. हाँ बस दो मिनट और. हाँ ऐसे देखो, तुम्हारे से दो मिनट मैम पूछ के ले रही है. देखो क्या जमाना आ गया आजकल. बेटा मैं आपसे बात कर लूँ? हाँ हमारा भी करता है. दीपी कह रही मैम हमारा भी करता है. चलो थैंक यू, थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम मैम को देने के लिए. थैंक यू सो मच. मैम की खुशी का ठिकाना कोई नहीं है. हाँ चलो, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा चलो ठीक है, कुछ तूफानी नहीं किया तुम. हाँ ले लो मैम मजे ले लो. तो तुम मैं सीखा किससे है? बच्चों से. हाँ मैं और किससे इंटरेक्ट करती हूँ? मैं तो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करती, और बच्चों से सीखा है मैंने. तुमने सिखाया है मुझे. हाँ और क्या? और भाई अनुष्का बताओ क्या हाल है? केतन मैम मेंटी होगा? अरे मेंटी नहीं होगा, वैसे नॉर्मल नॉर्मल ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे. ठीक है मजे किए तुमने मैम? बैच अच्छा, चलो मजे तो कर लिया. मैम आपकी याद आती है मुझे. अच्छा ठीक है. अच्छा ऐसा कि दो रोज 7 बजे मिलने आओ, याद आएगी ही नहीं फिर. हाँ चलो 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 भाई चलो. तो वेलकम 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 एवरीबॉडी. और हमारा अभी टाइम, हमने बात कर ली एक दूसरे से सबसे, और अब मुझे आज का मुद्दा बताओ कि आज हम करने क्या वाले हैं. देखें तो सही कि क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आज हम, जल्दी से बताओ. शाबाश ज़ेब्रान, याचना मालसिंह, सौरभ, ज्योत्सना. मेरी तबीयत ठीक है अब. हाँ बताओ करने क्या वाले हैं आज हम लोग? आज हमारा कौन सा टॉपिक है? फर्टिलाइजेशन. वेरी गुड वेरी गुड. तो अच्छा फर्टिलाइजेशन, इसी बात पे मुझे एक बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जो कि बड़ा ही ऑब्वियस क्वेश्चन, उसका आंसर दे दो. देखें तो सही आपकी तैयारी किस लेवल की है. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कौन मेरा इंटेलिजेंट बच्चा मुझे बता देगा मैम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दिस. चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. हाँ यहाँ नहीं देखूंगी बिकॉज यहाँ मिलकर थोड़ा लेट आता है. एंड वी हैव द विनर ऑफ द हाउस हियर, शुभांगी द्विवेदी के लिए तालियां. क्या बात है शुभांगी द्विवेदी, वेरी गुड. एम्प्यूला,
एम्पुला इज द करेक्ट आंसर. मैं देख रही हूँ कि किसी को गलत आंसर तो नहीं आ रहा है. ठीक है, एम्पुला इज द करेक्ट आंसर. सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला है. और ये हमारे बच्चे आ गए निकल के. मीनाक्षी नायक, मैडम मैम का नाम दोनों डुबा दिया यहाँ पे. मीनाक्षी नायक, सलाम गाजी, गाजी के नाम से बोले. एम्पुलरी इस्थमस, बेटा ये जो आंसर है ना ये गलत आंसर है. एम्पुलरी इस्थमस जो है ये गलत आंसर है. आपको मैं बता दूं कि ये पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये था, लेकिन आज की एनसीईआरटी में ये चेंज कर दिया जा चुका है. इट इज एन अमेंडमेंट विच हैज बीन डन. अमेंडमेंट का मतलब तुम समझते हो, ठीक कर दिया गया है. तो आज के टाइम में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा नीट में तो इसका आंसर होगा एम्पुला, नॉट की एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन. ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, इसको नोट कर लेना. ये गलत है, ये सही है. एम्पुला, एम्पुला. मैं बच्चों को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं, तुम ऐसा बुरा मत मानना, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेन रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट. समझ आ गया सबको? ठीक है, डन. एम्पुला इज द करेक्ट आंसर. इसलिए मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया ताकि तुम्हें कोई डाउट ही ना रहे मन में. ठीक है, चले. सो चलो यार चलते हैं आज. एंड वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन. मैम का सैल्यूट है उन लोगों को जो मैम को देख रहे हैं लाइव. चलो आलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. और हमारा ये प्यारा प्यारा बैच है, आपको पता ही है ये कौन सा बैच है हमारा यार. गिटार अनट्यून्ड हो गया. कौन सा बैच है हमारा ये? आशा है मिले दिल की, उम्मीद हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. ओ आशा है मिले दिल की, उम्मीद हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं, हमारे बच्चों की आशाएं. चलो ये तुम्हें याद दिलाने के लिए कि अपनी आशाओं से इधर उधर भटकना नहीं है. ठीक है, ये हमारे बच्चों की आशाएं जो कि एकदम टॉप लेवल पे जाएंगी. ये मैम की बेस्ट ऑफ द विशेज हैं. बस तुम बने रहो, बस यहाँ पे उठा देंगे हम नीट. चलो आ जाओ, कम ऑन. तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन. लेक्चर 11 हो चुका है, पर गुड न्यूज ये है चाहे लेक्चर के नंबर ज्यादा हैं लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको पूरा कवर करने में. ठीक है, सो ऑल ऑफ द चैप्टर्स, ऑल ऑफ द लेक्चर्स आर इक्वली यू नो फुल ऑफ द हाउस, फुल ऑफ नॉलेज हाउस है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. आई एम श्योर यू विल फाइंड बहुत उसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा जो कि बिल्कुल एप्ट है नीट से, ना उससे ऊपर ना उसके नीचे. ठीक है, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस पे से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सो वेलकम टू वेदांतुज यूट्यूब स्पेस. यार आप लोगों को तो पता ही है और आप लोग बहुत अच्छे हमारे बच्चे टेक सेवी हैं, दे ऑल नो इट. सो उसमें क्या क्या कर सकते हैं बच्चा? इन डेप्थ एनालिसिस है, डाउट सेशंस हैं, रेगुलर फुल एंड आर्ट टेस्ट हैं, प्रोसेस, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट मेंटोर यू गोना गेट. या ये हमारे बच्चे हैं जो कि हमारा दे हैव ब्रिंग लॉरल्स टू द दे हैव ब्रॉट लॉरल्स टू आवर वेदांतु. तो देखो बच्चा आप भी यहाँ पे आ सकते हो. लुक एट दैट, द शौर्य, शी हैज गॉट 682 मार्क्स. जयशंकर, ही हैज गॉट 670 मार्क्स. तानिशी 670, समिता 662 मार्क्स, एंड यू कुड ऑल्सो बी द वन. या देन 31 ऑफ अवर लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स क्लियर्ड नीट 2020. ये लॉन्ग टर्म बैच, उस बैच की बात हो रही है बच्चे जो कि हम लोगों के पास में वेव एक प्लेटफॉर्म है, उस पर हम लोग उसको पढ़ाते हैं बच्चों को उनको. अगर आपको भी इस पार्ट का, इस प्लान का हिस्सा बनना है, बहुत सिंपल है. ठीक है, इसमें सारे के सारे आपके आपका चाहे मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है, आप चाहे जैसे मर्जी इसको सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आपका घर बैठ के आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स, पूरे डाउट आपके लिए जाएंगे. तीन इसमें प्लान है, चाहे आप उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो. तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, दिस इज द लिंक विच यू कैन फॉलो.
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहला इसका जो प्लान है वो है लाइट, है ना। लाइट प्लान में देखो तुम यार, इसमें 40,000 है इसका फॉर टू ईयर्स, द टू होल ईयर्स इट इज 40,000। हाँ, देन उसके बाद में इसमें क्या मिलेगा आपको, लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज एनालिसिस मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगी, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास भी आपको मिलेगा पूरे दो साल के लिए, फॉर होल टू ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा एक प्रो क्लासिक प्लान है और एक प्रो लाइट प्लान है। प्रो लाइट में आपको सब कुछ मिलेगा प्लस डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें से कि आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी डाउट पूछो आपको आंसर होंगे वो, ठीक है ना, राइट। और आपका लास्ट प्लान है प्लस प्लान, ये दो साल के लिए है। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा जो कि आपको गाइड करता रहेगा कि आपके परफॉर्मेंस को वॉच करेगा, ठीक है। एंड इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आपको कूपन कोड लगाओगे एमएस प्रो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। गुड न्यूज ये है कि 28 जून से ये बैच शुरू हो रहा है, राइट, सो यू कैन डेफिनेटली गो। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि अगर आपको ट्रायल बेसिस लेना है सो यू कैन जस्ट कैन गो फॉर वन मंथ, तो वन मंथ के लिए आप बच्चे 3600 में इसको अवेल कर सकते हैं। इसका भी ड्रिल सिंपल है, आप कूपन कोड लगाओ एमएस प्रो, आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये आपको ये ऐसा लग रहा होगा यार, मतलब ये दो साल के लिए वैसे तो इतना नहीं है अमाउंट, अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है, वेदांतो इज मेकिंग प्रॉमिस टू यू, वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। उसमें आपको क्या कहता है कि अगर आप सारा 75 अटेंडेंस रख रहे हो उस कोर्स में और सारा कुछ काम कर रहे हो, तो बच्चे क्या है आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी, योर होल कोर्स फी विल बी गिवन बैक टू यू विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, है ना। देखो ऐसा ऐसा वो कहां से मिलता है, यू नो, सो दे आर प्रॉमिसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपका वो नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रॉमिसिंग कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी ही होगी, और अगर नहीं होती है दे विल गिव यू मनी बैक, आपके सारे पैसे वापस हो जाएंगे। सो गो एंड यूटिलाइज, नॉट फॉर गेटिंग द मनी बैक ऑफ कोर्स, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू हैव अ सेफ साइड, यू हैव विन विन सिचुएशन, बोथ ऑफ द हैंड्स विन विन, ठीक है। सो हाँ, will you please take daily lectures, I am taking daily lectures, okay guys, so let us come, just come back here, and agar aapne hamara jo Vedantu neat made easy ka agar humne telegram group nahi join kiya usko telegram group ko join kar lo, channel ko subscribe kar liya sabne, channel ko subscribe kara sabne, kiya ki nahi kiya, ha batao batao, kiya nahi kiya to fatafat kar lo, jaldi se subscribe kar lo, theek hai, roz milna hai na, ha to karo, aaj ki slides banayi hai mohammad bashir sir ne, bashir sir ke liye taaliyan bhai। हाँ, यस यस यस, देखिए हमारे बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल मैम की बात मानते हैं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बी अ क्रिएटर नॉट एन इरेजर, भाई साहब क्या बात है, तो क्रिएटर बनो इरेजर मत बनो, ओके, क्रिएटर मतलब नई नई चीजें क्रिएट करो, ठीक है। सो आज हम नई चीजें क्या क्रिएट करेंगे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैम की सारी बात मानते हैं, ये हमारे साथ आज नोट्स बनाएंगे, मैम भी नोट्स बनाएगी और ये भी नोट्स बनाएगी, मैम भी बोर्ड पे लिखेगी और ये भी लिखेंगे, लिखेंगे ना सब लोग, लिखेंगे है ना, फर्टिलाइजेशन को अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि कोई डाउट ना बचे इसमें, लिखेंगे ना सब लोग, लिखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे हैं सब लोग, ये मैं जोर से नहीं चिल्ला सकती यहाँ पे, मैंने चिल्ला देती जोर से, पड़ोसी आ जाएंगे यहाँ पे। आई कैप्टन, यस कैप्टन ही बोलते हैं, आई कैप्टन आई, या चलिए। सो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन विथ द पिक्चर इज एग्जैक्टली एप्ट, फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल एप्ट है, बट यार यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स होने चाहिए, बट यहाँ पे एक ही बताया, बट एनीवेज देखें, आई कैप्टन, ओह देखो हमारे बच्चे मुस्कान, रिधिमा, अनुष्का, चलो आई कैप्टन, चलो भाई आइए जरा देखें, रेडी हैं सब लोग, ओहो बाल बांधेंगे कैसे आज, चलो रेडी हैं सब लोग, चलो देख लो भाई, पढ़ो डेफिनेशन, पढ़ो डेफिनेशन, पढ़ के बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आ गया, समझ में आया, आ गया समझ में, चलो ठीक है, आई थिंक आ ही गया होगा मेरे ख्याल में, है ना। सो लेट अस जस्ट बिगिन विद दिस दैट फर्टिलाइजेशन, तो देखो फर्टिलाइजेशन जो है, जो यहां पे लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड स्पर्म विद द हैप्लॉइड ओवम एंड इट गिव राइज टू जाइगोट, है ना, जितना सिंपल दिख रही है प्रोसेस, ये इतना सिंपल होती नहीं है, इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स। हाँ, अगर मैं गिनूं यहां पे 6 स्टेप्स हैं इसमें,
सिक्स ऑफ द स्टेप्स आर देयर विच हैपन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, और ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. सो इट इज नॉट जैसा हम लिखते हैं छोटी क्लासेस में लिखते थे कि द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट गिव राइज टू जायगॉट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है. लेकिन इस दौरान क्या होता है हम वही देखेंगे. आ जाओ सब लोग, आ जाओ जरा, कम ऑन, चलो आओ आओ. पहले तुम्हें हमने हिमाचल दिखाऊं मैं, धर्मशाला, ठीक है, देख लिया, चलो आओ. कॉपी पेन लेके आ गए ना, ये मैंने टाइम दिया है तुम्हें कॉपी पेन लाने को, ले आए, चलो शाबाश, आ जाओ. सो गाइस, there is one thing which you need to know, that fertilization is a series of events. इसमें series of events होते हैं, तो मैं उनकी list बनाने जा रही हूँ कि क्या series of events होते हैं, और एक एक करके हम उसको detail में पढ़ेंगे और आज खत्म भी करेंगे, ठीक है. So चलो देखते हैं what are the series of events in fertilization. So आज का हमारा topic है fertilization, fertilization, right? चलिए फर्टिलाइजेशन, तो ये मैं डेफिनेशन तो नहीं लिख रही बिकॉज ये तुम्हें पता ही है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज स्टेप्स. स्टेप्स क्या है, तो स्टेप नंबर वन क्या होगा फर्टिलाइजेशन में, दैट वुड बी कैपेसिएशन. क्या होगा, कैपेसिएशन, या फिर इसको कई जगह पे हम कैपेसिटेशन भी कह देते हैं, कैपेसिटेशन भी कह देते हैं. बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग्स, ये दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों ही सेम चीजें हैं, प्लीज माइंड इट, ध्यान में रखना है. ये नहीं कि तुमने कैपेसिएशन देख लिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, भाई ये हुआ क्या, ठीक है. नंबर टू कैपेसिएशन के बाद आता है कीमो अट्रैक्शन. सेकेंड स्टेप हम ये पढ़ेंगे. कीमो अट्रैक्शन के बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, जो होगा हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम इसके बाद में. नाउ एक्रोसोमल रिएक्शन विल लीड टू टू अदर एक्टिविटीज या टू अदर स्टेप्स, जिसका नाम क्या होगा बच्चा, पहला नाम होगा आपका कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है. कॉर्टिकल रिएक्शन के साथ ही साथ में, देखो ऐसा नहीं है कि मैं इसको स्टेप वाइज लिख रही हूँ तो ये स्टेप वाइज हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है. आप ये मत समझना कि कॉर्टिकल रिएक्शन द नेक्स्ट स्टेप इज एग एक्टिवेशन, तो ये अलग अलग हो रहा है, ये साथ ही साथ चल रहा है सारा, ये सारा सारा सब कुछ एक साथ चल रहा है, बट हम इसको अपनी ईज के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. एग एक्टिवेशन के बाद बेटा हमारा होगा लास्ट स्टेप, दैट वुड बी सिनगैमी. आपको तो पता ही है सिनगैमी, कौन इंटेलिजेंट बच्चा लिख के बताएगा मुझे यहाँ पे, मैम हम सब इंटेलिजेंट है. सिनगैमी का मतलब क्या होता है, चलो दो 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 शब्दों में बताओ इसका मतलब, जल्दी से क्विकली, क्या मतलब होता है सिनगैमी से, क्या मतलब से? फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेगा कोई सिनगैमी को, ना 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 ना, सिनगैमी क्या होता है. वेरी गुड गौतम पतिधर, ये सार्थक पतिधर का भाई है क्या. फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, अगर सिनगैमी तुम्हें पूछे ना कोई, तो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, बेसिकली दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन, मेल का और फीमेल का, पढ़ेंगे हम इसको. सो दीज आर द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये हम लोग फॉलो करेंगे. नंबर वन कैपेसिएशन, कीमो अट्रैक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, एग एक्टिवेशन एंड सिनगैमी. क्लियर है सबको, ये नोट कर लिया सबने. चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू कैपेसिएशन. सो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूं मैं. नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इसको मैं दो हिस्से में डिवाइड कर देती हूँ, इसमें आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए. बाकी देखो सबसे पहला है बच्चे कैपेसिएशन या कैपेसिटेशन लिख देती हूँ, चलो आप खुश हो जाओगे थोड़ा, मुझे पता है, कैपेसिटेशन या कैपेसिएशन. तो अगर कोई इसका एक डेफिनेशन आपको देना हो ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेशन, देखो कैपेसिटेशन वर्ड आया है कैपेसिटी से, किसकी कैपेसिटी, स्पर्म की कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम. क्या बोला, स्पर्म की कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम. अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
इट इज अ पीरियड ऑफ कंडीशनिंग. लिखो जरा यहां मेरे साथ लिखो, सब लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी. हाँ, इट इज द पीरियड ऑफ कंडीशनिंग. पीरियड ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग ही है ना ये. पीरियड ऑफ कंडीशनिंग वेयर बाय, वेयर बाय स्पर्म, वेयर बाय स्पर्म गेन्स द एबिलिटी टू फर्टिलाइज, और वेयर बाय स्पर्म अटेन्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी. स्पर्म अटेन्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, है ना. कि कहता है कि ऐसा पीरियड है जब स्पर्म की कैपेसिटी जो है वो गेन हो जाती है. ठीक है, कंडीशनिंग है. तो दैट इज अ डेफिनेशन विच यू विल फॉलो. समझ में आ गया. दूसरी बात, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है. चलो दूसरी बात हम देखते हैं यहां पे. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो जरा. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब जल्दी बता देंगे सब. नॉट फर्टिलाइजेशन, कैपेसिएशन. साइट ऑफ कैपेसिएशन क्या है, जल्दी से बताएं सब लोग. साइट ऑफ कैपेसिएशन क्या है, एफआरटी, वेरी गुड. विनुता, विनुता, विनुता ने सबसे पहले लिखा है. यस, दैट इज व्हाट, दैट इज एफआरटी. जिस नए बच्चे को हमारे, जिसको पता नहीं चल रहा बेटा एफआरटी क्या होता है, इसका मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, एफआरटी का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये साइट ऑफ कैपेसिएशन है, राइट. उसके बाद में अब ये देखो. अच्छा, ये कौन मुझे बताएगा. इसके बाद में एक और चीज होती है यहां पे, रिमूवल ऑफ, एफआरटी में पहुंचने के बाद में रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स. डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होती है, डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स जो रोके हुए थे इसको, जो इसको रोके हुए थे. रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स विच वर लेड बाय डैश, बताओ जल्दी बताओ. विच वॉज लेड बाय, लेड बाय किसने लेड किया था इसको. इंग्लिश समझते हो ना थोड़ी बहुत. विच वॉज लेड बाय, वेरी गुड ज़िब्रान अली, शाबाश दिनेश. हाँ हाँ, विच वॉज लेड बाय एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस में जब स्पर्म रिलीज हुआ था रीटी टेस्टिस के थ्रू, फिर वैसा एफरेंशिया में आया, फिर जब एपिडिडाइमिस में पहुंचा विच इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, वहां पे स्पर्म को ब्लॉक कर दिया गया. डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स लगा दिए गए कि अभी तुम इसको अपने कैपेसिटेशन फैक्टर्स को एक्सपोज नहीं करोगे. कब तक, जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचोगे. ठीक है, सो कहता है रिमूवल ऑफ दिस डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होता है एफआरटी में जैसे ही पहुंचते हैं वो, विच वॉज लेड बाय एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस, ठीक है, डन हो गया, राइट. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसमें से बचा है. नहीं नहीं नहीं, दो पॉइंट बचे हैं तो यही आ जाते हैं ऊपर. अच्छा अच्छा, ये मैं बताऊँ. अच्छा ये बता देती हूँ, ये कौन बच्चा बता देगा. टाइम पीरियड कितना लगता है इसमें, इस सारे कार्यक्रम में. कैपेसिएशन जो है दो बार पेपर में आ चुका है. लास्ट के 5 या 6 साल के पेपर आप उठा के देखोगे, क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है. ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा टाइम पीरियड कितना. विपुल शर्मा, शाबाश. वेरी गुड, शाबाश. 7 आवर्स, कितना टाइम लगता है, 7 आवर्स लगते हैं. ठीक है, सो टाइम पीरियड इज 7 आवर्स. कितने टाइम लगता है, 7 आवर्स लगते हैं इसमें. ठीक है, डन, 7 घंटे. एक और चीज होती है यहाँ पे, चलो देखते हैं तुम्हें से कितने बच्चों को याद है. कभी भी किसी मूवमेंट की बात हो, क्योंकि यहाँ टेल की मूवमेंट हो रही है, स्पर्म की मूवमेंट की, कोई ऐसा आयन है क्या जो बहुत जल्दी तुम्हारे दिमाग में पॉपअप होना चाहिए. व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट मूवमेंट, वन ऑफ द आयन डेफिनेटली शुड पॉपअप इन योर हेड देन एंड देयर. वेरी गुड, कैल्शियम. विपुल, दिनेश, दिनेश फ्लैजिला कहां से हो गया. कैल्शियम, यस ज़िब्रान, याचना, वेरी गुड, कैल्शियम आयंस. तो एक और हैपनिंग होती है यहां पे कैपेसिटेशन के टाइम पे, इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस व्हिच विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. टेल मूवमेंट में हेल्प करेगा. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इनफ्लक्स ऑफ द, इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस, है ना, बाइवेलेंट आयंस है, कैल्शियम आयंस, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेल इज एनहांस्ड, है ना. मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल इज एनहांस्ड, स्पर्म टेल इज एनहांस्ड. लीजिए, डन हो गया, राइट. सो ये सारे मेजर हैपनिंग्स हो गए बच्चा, किसमें, कैपेसिएशन में या कैपेसिटेशन में. ये आपके मेजर हैपनिंग्स हो रहे हैं.
कि ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई कि पीरियड ऑफ कंडीशनिंग जहाँ पे स्पर्म्स जो है अटेन करता है कैपेसिटी, ठीक है, क्या है एफआरटी इज द साइट, रिमूवल ऑफ द डीकैपेसिएशन फैक्टर्स होता है इसमें जो कि एपिडिडाइमस ने लगाया है, ठीक है, टाइम पीरियड इसको 7 घंटे चाहिए है, और साथ ही साथ इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस होता है जो कि मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेल को एनहांस करता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, कोई? चलो फिर चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। चलो नेक्स्ट आता है आपका कीमो अट्रैक्शन, जिसपे क्वेश्चंस और आए हुए हैं, मुझे लगता है दूसरे पेज पे जाना बढ़िया रहेगा, है दूसरे पेज पे चलें। सो नेक्स्ट आता है बच्चे आपका कीमो अट्रैक्शन, नंबर टू है कीमो अट्रैक्शन। अब देखो नाम में मतलब है इसका कि कीमो अट्रैक्शन में क्या होगा कि कुछ तो अट्रैक्शन हो रही है, केमिकल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, राइट? अब वो केमिकल्स कौन सिक्रीट करेगा? कुछ तो स्पर्म सिक्रीट करेंगे और कुछ एक एग सिक्रीट करेगा, है ना? जो स्पर्म सिक्रीट करेगा ना केमिकल, वो एग उसको पहचान लेगा, है ना? समझ रहे हो, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे कि चलो ये तो हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, लाइक ओशन की बात करें, ओशन में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कितने सारे स्पर्म्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, कितने एग्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन वहां पे कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। क्यों? कीमो अट्रैक्शन की वजह से। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो स्पर्म है वो उसी के एग के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि वो केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज नोन एज कीमो अट्रैक्शंस। तो इसमें अभी हम लोग जो मैं लिखने जा रही हूं, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एक बार नीट में, तो लिखो यहां पे जरा देखें। तो इसमें स्पर्म रिलीज, स्पर्म रिलीजेस अ प्रोटीन, एन एसिडिक प्रोटीन, एक एसिडिक प्रोटीन रिलीज करता है स्पर्म, एसिडिक प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, शाबाश, देखते हैं क्या पता कोई बताई दे, मानसी यादव, वेरी गुड, हाँ, क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिजन, वेरी गुड, वेरी नाइस, या एंटी फर्टिलिजन। अभी तुमको ना इस चीज को ध्यान में रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बिकॉज इसी से रिलेटेड एक वर्ड और आएगा आगे, उसमें कंफ्यूज नहीं करना तुमको। एंटी फर्टिलिजन जो है, विच इज एन एसिडिक प्रोटीन जो कि स्पर्म रिलीज करता है जैसे ही एग के पास पहुंचने वाला है। सो एग ने भी कुछ नहीं रिलीज किया है, उसने रिलीज किया एंटी फर्टिलिजन। अब देखें एग क्या रिलीज करता है, आओ जरा, नाउ एग विल ऑल्सो रिलीज समथिंग। अब मैच्योर एग, अच्छा ये ध्यान में रखना है आपने, मैच्योर एग मतलब वहां पे एग जो है वो फुली मैच्योर हो चुका है, ओवम बन चुका है। मैच्योर एग रिलीजेस फर्टिलिजन, वेरी गुड पार्थ, अथर्व, मानसी, वेरी गुड, शाबाश, यस, मैच्योर एग रिलीजेस फर्टिलिजन, ठीक है, फर्टिलिजन बेटा ये रिलीज करता है मैच्योर एग, विच इसका कॉम्पोजिशन क्या है, बेटा ये है एक ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है आपका, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो आपका जो एंटी फर्टिलिजन है वो एसिडिक प्रोटीन है, आपका जो फर्टिलिजन है ग्लाइकोप्रोटीन है, दोनों ही केमिकल्स हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं एंड दे बाइंड, एंड दैट्स हाउ इसको हम कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक केमिकल्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक केमिकल्स, है ना, ये क्या करते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही जज करते हैं, अंदर उससे बाइंड करते हैं। डिड यू क्लियर, ये सबको क्लियर हुआ, डन है सबका ये, वेरी गुड। अच्छा आपसे एक बात पूछती हूँ, मैंने यहां लिखा मेच्योर एग रिलीजेस फर्टिलिजन ग्लाइकोप्रोटीन, बट यार हमारा तो मेच्योर एग, ह्यूमंस का तो मेच्योर एग होता ही नहीं है, वो तो स्पर्म की एंट्री के बाद होता है, तो क्या ये स्टेटमेंट ह्यूमंस पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, सोचो सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ।
क्या ये स्टेटमेंट ह्यूमंस पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी? यस और नो? सोच समझ के आंसर देना, भेड़ चाल नहीं चलनी है किसी ने. यस, डंडा लाना जरा यहां से, डंडा लाओ जरा बाहर से, पिटाई होनी है इनकी. अगर तुमने यस लिखा है और मैंने डंडा लाने को कहा तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश, आंसर चेंज करो, जल्दी से आंसर चेंज करो. पिटाई नहीं हुई क्या कभी मम्मी से घर पे? पिटाई नहीं हुई है मम्मी से कभी? मम्मी कुछ ऐसे सवाल पूछे उसका आंसर फटाफट चेंज नहीं किया? हमने तो बहुत किया. आंसर होगा नो. बट पेपर में नहीं लिख के आना ये, ठीक है? ये आपको बता, आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं. हम जब इस चैप्टर में बात कर रहे हैं तो हम सारे ही उसकी बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे सारे ऑर्गेनिज्म की, नॉर्मली स्पीशीज की बात कर रहे हैं. सो फर्टिलिज्म एंटी फर्टिलिज्म रिलीज होगा, वो रिकग्नाइज होगा और हो गया काम. लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं है. ह्यूमंस में आपका जो कोरोना रेडिएटा है बेटा, कोरोना रेडिएटा जो है वो कुछ कुछ जो केमिकल्स है वो रिलीज करती है. एग्जैक्टली फर्टिलिज्म रिलीज करती है दैट इज नॉट श्योर, ठीक है? लेकिन हमारे में द मैच्योर एग इज नॉट देयर, बट उससे पहले स्पर्म को तो एंट्री करवाना होता है, राइट? सो इट इज रिलीज्ड बाय द आउटर लेयर विच इज कोरोना रेडिएटा, जो कि आपकी सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन है. वहां पे दिस मैच्योर एग जो है हम वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखोगे. दिस इज फॉर योर रेफरेंस, बिकॉज यहां पे हम लोग सबका कर रहे हैं. सबका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेकिन हम ओवरव्यू कर रहे हैं इसका, ठीक है? तो कोरोना रेडिएटा कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, कुछ है, जरूरी नहीं है ये, ठीक है? चलो ये हो गया. सो कीमो अट्रैक्शन में हम समझ गए कि एंटी फर्टिलिजन और फर्टिलिजन रिलीज होगा, एक दूसरे को वो रिकग्नाइज करेंगे और चलिए हो गया, है ना? ये अभी स्पीशीज स्पेसिफिक हो गया. एक और चीज मुझे आपको बतानी है यहाँ पे. इस प्रोसेस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल नाम होता है, इसको हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ स्पीशीज. प्योरिटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करके रखता है ये जो कीमो अट्रैक्शन है ना, ये बहुत जरूरी है. प्योरिटी ऑफ स्पीशीज को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है कि एक जो स्पीशीज है वो इसी स्पीशीज से जाके फर्टिलाइज करे और वैसे ही नॉर्मल जो है बींग्स बने. ये नेचर का फिनोमिना है, ठीक है? समझ में आ गया सबको ये प्योरिटी ऑफ स्पीशीज, कीमो अट्रैक्शन. आइए नंबर थ्री. नंबर थ्री क्या था? नंबर थ्री बताओ मुझे. अच्छा नंबर थ्री अभी नहीं करेंगे, हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. आ जाओ. आपको पता मैम के डायग्राम कितने टॉप क्लास होते हैं? होते हैं ना, ठीक है? चलो आओ डायग्राम ड्रॉ करें जरा यार. इसमें नहीं डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगले पेज पे ड्रॉ करते हैं. इस पे हम लोग उस पे लिख लेंगे. चलो आओ, आ जाओ. एग का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत ईजी है ना? आपकी मैम के डायग्राम तो आपको पता है कितने अच्छे होते हैं. आप मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो. सो ये है हमारा सेकेंडरी ओसाइट. सेकेंडरी ओसाइट बना रहे हैं अभी हम लोग, जिसको करते करते हम लोग उस तक भी पहुंचेंगे. अच्छा ये सेकेंडरी ओसाइट है और सबसे अंदर वाली लेयर है, तो मुझे बताओ इसके बाहर कौन सी लेयर होगी? जल्दी से बता दो. शाबाश, जल्दी से बता दो. इसके बाहर ये कौन सी लेयर बना रही हूं अभी मैं? कोशिश तो कर ही सकती हूँ सुंदर बनाने का. हाँ शाबाश. ये पिंक वाली लेयर कौन सी लेयर होगी? चलो शाबाश, जल्दी बता दो, देखें तो सही. अनप्रोपोर्शनेट सा बन गया. जिसने भी कोरोना रेडिएटर लिखा है ना, डंडा लाना जरा बाहर से. कौन सी है ये? फटाफट आंसर चेंज करो जल्दी अपना. हाँ क्या है ये? जोना पैल्यू सीडा. ठीक है, कौन सी लेयर है ये? जोना पैल्यू सीडा. ये देखो मैंने ऐसे बना दिए, बस खुश हो? ये जोना पैल्यू सीडा, ठीक है? देखो नए बच्चों से गुजारिश है मेरी, कृपया ये जो मैम की ड्राइंग है इसको हार्ट टू हार्ट फॉलो ना करें, बिकॉज मैम की ड्राइंग बहुत टॉप क्लास लेवल की है. ये नॉर्मल लोगों के समझ में बिल्कुल नहीं आती है. सो आप प्लीज अपनी ड्राइंग को नॉर्मल रखना, ठीक है? समझ गए तुम? ठीक. सो ये दोना पहली सीधा है, ठीक है? अब उसके बाद, अच्छा चलो इसके बाहर बताओ तुम, इसके बाहर कौन सी लेयर होगी? चलो बताओ शाबाश, इसके बाहर कौन सी लेयर होगी? दोना पहली सीधा के बाहर कौन सी लेयर होगी? अब सही आंसर देना, डंडे पड़ेंगे नहीं तो. जोना पैल्यू सीडा के बाहर कौन सी?
सीआर कोरोना रेडिएटा वेरी गुड पार्थ शोएब वेरी गुड शाबाश कोरोना रेडिएटा सारी नहीं बनाऊंगी कोरोना रेडिएटा कुछ कुछ ही बनाऊंगी ठीक है मतलब तुम्हें यार तुम्हें तो पता ही है ना मतलब तुम तो समझते ही हो तो सारी कोरोना रेडिएटा नहीं ड्रॉ करूंगी समझ जाना कि यहाँ पे भी है ये समझ गए ना ये कोरोना रेडिएटा मैंने कर दी यहाँ पे चलो मुझे बस इतना बता दो कि कोरोना रेडिएटा के बीच में क्या होता है ये कौन सा एसिड है ये कोरोना रेडिएटा के बीच में ये कौन सा एसिड है फटाफट जल्दी बताओ शाबाश कोरोना रेडिएटा के बीच में कौन सा एसिड है जल्दी शाबाश शाबाश हाइलोइरोनिक जया शाबाश गौतम आरफत हाँ आलिया हाइलोयूरोनिक एसिड ये कौन सा एसिड है हाइलोयूरोनिक एसिड है राइट ये हो गया आपके कोरोना रेडिएटा में आपके कौन से सेल्स होते हैं ये ग्रैन्यूलोजा सेल्स होते हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसको ये कौन से सेल्स होते हैं ग्रैन्यूलोजा सेल्स आपको याद है ना ग्रैन्यूलोजा सेल्स जब हम हार्मोन का वो पढ़ रहे थे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है इस पे ग्रैन्यूलोजा सेल्स पे पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन एक्ट करता है इस पे जल्दी बताओ कौन सा हार्मोन एक्ट करता है इस पे ग्रैन्यूलोजा सेल्स पे FSH वेरी गुड शाबाश FSH एक्ट करता है कौन एक्ट करता है FSH अरे LH तो थीका सेल्स पे करता है हाँ FSH करता है ठीक है सो ये ग्रैन्यूलोजा सेल्स हैं एंड दिस लेयर इज कोरोना रेडिएटा ये क्या है बेटा कोरोना रेडिएटा है राइट ये वाली जो पिंक वाली आपकी लेयर है दैट इज जोना पेल्यूसीडा ये आपकी जोना पेल्यूसीडा है राइट ये जो आपकी अंदर वाली येलो कलर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन या इसको बेटा हम लोग ऊलेमा भी कह देते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन है या ये ऊलेमा के नाम से भी जानते हैं इसको राइट अब जाहिर सी बात है बच्चा ज्यादा तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ठीक है जाहिर सी बात है बच्चा ये जो खाली स्पेस है ना दिस खाली स्पेस वुड बी पेरीविटलाइन स्पेस ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम लोग पेरीविटलाइन स्पेस राइट इसको बोलेंगे हम लोग पेरीविटलाइन स्पेस डन है ये तो ये विटलाइन मेम्ब्रेन हो गई या ऊलेमा एक ही बात है और ये पेरीविटलाइन स्पेस हो गई ये आपकी जोना पेल्यूसीडा है और ये कोरोना रेडिएटा है ये आपका सेकेंडरी ऊसाइट है और ये इसका न्यूक्लियस है बेसिकली ये जब सारा है आपका व्हाट इज दिस सेकेंडरी ऊसाइट और ये जो मैंने बीच में बनाया है वो उसका न्यूक्लियस है यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म है ठीक है हम किससे रिलेटेड बात करेंगे अब हम बात कर रहे हैं स्पर्म की एंट्री की आओ जरा अच्छा यहाँ पे ना एक और सेल्स होते हैं आपके मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे आपके सेल्स होते हैं ग्रैन्यूलोजा सेल्स होते हैं यहाँ पे नहीं 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 कॉर्टिकल ग्रैन्यूल हाँ वेसिकल्स हैं इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स देखो ये बड़ी आसान सी चीज है कॉर्टेक्स किसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स होता है जो सबसे हमारी बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ठीक है अब हम बात करते हैं कि स्पर्म की एंट्री के बाद में क्या हुआ लेट अस जस्ट हैव अ लुक यहां पे हियर लेट अस जस्ट सपोज कौन सा कलर लेना भाई ये कलर ले लेते हैं ना हाँ सो इस तरीके से थोड़ा रफ डायग्राम बना रही हूं मैं प्लीज बी विद मी ठीक है हाँ सो ये दिस इज द स्पर्म विच इज एंटरिंग इन साइड इट और आप देखें बच्चे कि ये जो आपका रिसेप्टर है दिस रिसेप्टर ऑन जोना पेल्यूसीडा इस रिसेप्टर का एक नाम है कौन बच्चा मुझे लिख के बताएगा इस रिसेप्टर का क्या नाम है जो जोना पेल्यूसीडा पे है शाबाश शाबाश जल्दी बताओ कोई बता सकता है मुझे कि What is the name of this receptor which is present on the zona pellucida? Very good, Gautam. Very good. Iska naam hai ZP3 receptor. ZP3 receptor hai, jo ki sperm ke liye. This is sperm, ha? Ye sperm hai. To zona pellucida pe sperm ke liye receptor hai, beta, jiska naam hai ZP3 receptor. Samajh aa gaya sabko? Done. Ye aapka, aur isme kuch bachta hai? पेरिविटलाइन स्पेस है स्पर्म है ठीक है ये हमने एक वो बना ली है एक हमने डायग्राम बना लिया है जिसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है कि दिस इज दिस केस और ये इसमें प्रेजेंट होगा राइट सबसे पहले वो कोरोना रेडिएटा के थ्रू होते हुए आएगा कौन सा एंजाइम हेल्प करता है कोरोना रेडिएटा के ब्रेकडाउन में बताओ
कोरोना रेडिएटा के ब्रेकडाउन में कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा जो एक्रोसोम में होगा, क्या नाम होता है उसका? शाबाश, जल्दी बताओ. हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, सीपीई, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश. आरफत, कोरोना रेडिएटा के लिए बेटा. रजनी, कोरोना रेडिएटा पूछा है बेटा. हाँ, इसको हम कहेंगे सीपीई, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, है ना? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो उसमें हेल्प, हमने बात करी है इस बारे में. मैं बार बार नहीं लिखूंगी अभी यहाँ पे, पर मैं चेक कर रही हूँ आपको कितना याद है. और हाइलोयूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? हाइलोयूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? ये तो बहुत ईजी है. हाँ, शाबाश शाबाश, गो ऑन. हाइलोयूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? हाइलोयूरोनिडेज, एज सिंपल एज दैट, हाइलोयूरोनिडेज होगा. तो फिर वो आके, फिर मतलब कि हम मान के चले हैं कि कोरोना रेडिएटा से होते हुए ये हाइलोयूरोनिडेज को लगाते हुए अब ये पहुंच गया है ज़ोना पेलिसिडा पे, जो कि हमारी थर्ड नंबर पे है. ठीक है, अब ज़ोना पेलिसिडा में इसका रिसेप्टर था ZP3 रिसेप्टर्स, अब ये अंदर एंटर करने लग गया है. अब देखो, एक स्पर्म जब अंदर एंटर किया तो बाकी स्पर्म्स की एंट्री बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, टू ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी. सो टू ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी, जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाता है, रिसेप्टर्स इसको रिसीव कर लेते हैं, एक यहाँ पे फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी लगता है. कैसे? डीपोलराइजेशन से. समझ में आया? क्या बोला? फास्ट ब्लॉक लगता है डीपोलराइजेशन से. तो आपको ये चीज याद, हाथों हाथ याद होनी चाहिए. फास्ट ब्लॉक किससे लगता है? लिखे बताओ. फास्ट ब्लॉक किससे लगता है? हाँ हाँ, चलो लिख के बताओ. शाबाश. फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी किसे लगता है? आंसर क्या होना चाहिए आपका? हाँ, शाबाश शाबाश. डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन से किसे लगता है? डीपोलराइज, वेरी गुड अथर्व, बहुत बढ़िया. इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन से लगता है. वेरी 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 गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया. राइट, डीपोलराइजेशन से लगता है. हाँ, जो कि बड़ा ही सिंपल है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहीं पर लिख लेते हैं इसको. इनफैक्ट यहीं पे लिख लेते हैं इसको. इसको हम लिख लेते हैं ऐसे करके, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. आपको याद है ना मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन? ये मेम्ब्रेन हुआ करती थी, ये मेम्ब्रेन थी, बाहर सोडियम आयंस हुआ करते थे, ठीक है, अंदर पोटाशियम आयंस हुआ करते थे. तो अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और सोडियम जो है वो अंदर आने लग जाएगा ऐसे करके. तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस अंदर आ गए. एंड व्हेन स्पर्म बाइंड्स टू ज़ोना पेलिसिडा, ZP लिख रही हूं तो मतलब अंडरस्टूड है कि ज़ोना पेलिसिडा है. ठीक है, ज़ोना पेलिसिडा, एंड इट गेट्स डीपोलराइज्ड. ठीक है, डीपोलराइज्ड. एंड इसको आप पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. ठीक है, पॉलीस्पर्मी का फास्ट ब्लॉक. नोटेड, सबने नोट कर लिया इसको? तो ये आपको नोट हो जाना चाहिए, ये चीज यहाँ पे. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कब होता है ये? डन. ठीक है, डन हो गया फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. हाइलाइटेड. अच्छा, दो मिनट ब्रेक ले लें अभी, मैं थक गई हूँ बनाते बनाते. ठीक है, अब इतना समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में? ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है? कीमो ट्रैक कैपेसिएशन से शुरू किया था, एंड देन कीमो अट्रैक्शन किया है, देन अभी हमने कीमो अट्रैक्शन ही किया है. अभी हमने एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं किया है, अब हम एक्रोसोमल रिएक्शन करेंगे, पिछले स्लाइड पे कर लेंगे. ठीक है, डन. हाँ, हो गया ना ये क्वेश्चन. फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी पता होना चाहिए आपको, किस कौन कौन लगाता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन लगाता है. ठीक है, आप ये देख रहे हो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स देख रहे हो यहाँ पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ना, ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग? सुन रहे हैं कि नहीं? ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. पता है क्यों इंटरेस्टिंग चीज है ये?
ये कैल्शियम रिलीज करेगी और कैल्शियम रिलीज करेगी और जोना पेलिसिडा को हार्ड कर देगी। जैसे ही जोना पेलिसिडा हार्ड हो गई, उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोला मैंने, ये जो कॉर्टिकल ग्लैंड है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आएगी यहां पे फ्यूज करेगी इस तरीके से, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके फ्यूज करेगी और यहां पे ऐसे करके, और कैल्शियम आयंस को रिलीज करना शुरू करेगी बाहर की तरफ। और जैसे ही कैल्शियम आयंस को रिलीज करेगी, जोना पेलिसिडा को हार्ड कर देगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? विपुल शर्मा जी बहुत बढ़िया, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, परमानेंट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये टेम्परेरी है, दिस इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी काम किया है, ठीक है ना, ये टेम्परेरी काम किया है हमने। लेकिन जो स्लो ब्लॉक होगा वो इनकी वजह से लगेगा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वजह से, एक्सोसाइटोसिस की वजह से, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। हाँ, नो मैम, दीदी विनी दीदी सेड फर्स्ट, ओ विनीता, आज मैंने विनीता को कहा था, विनीता का नाम नहीं लूंगी, फिर लोग कहते हैं कि मैम विनीता से बायस्ड है। हाँ, तो हम विनीता का नाम नहीं लेंगे, फिर ऐसे विनीता बेचारी वैसे ही मतलब उसके उसको बारे ऐसे बोल लेते हैं बच्चे, मैम मैं नहीं हुआ, मैं मर गई। विनीता इतना ड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ड्रामेटिक हो जाओगे अब तुम। हाँ। चलो चलो आगे चलते हैं, आगे मतलब पीछे। सो एक्रोसोमल रिएक्शन में, एक्रोसोमल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नंबर 3, एक्रोसोमल रिएक्शन, ये कि बहुत ही इजी है, ये नाम ही बता रहा है इसका बेटा। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या करेगा? जो एक्रोसोम्स के एंजाइम्स होंगे वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, पूरा का पूरा स्पर्म अंदर पहुंचेगा या फिर ओनली द हेड? लेट मी जस्ट सी, व्हाट डू यू थिंक, द होल स्पर्म विल एंटर इनसाइड और ओनली जस्ट द हेड? कम ऑन, टेल मी, कम ऑन, कम ऑन, आगे 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 जाने से पहले ये बहुत जरूरी है। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। अथर्व, और डंडा लेके आओ जरा, अथर्व को छोड़ के सबको मार पड़ेगी आज। फटाफट आंसर चेंज करो अपना, फटाफट आंसर, ये जो बल्क में आंसर आ रहा है चेंज करो उसको जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी आंसर चेंज करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तुम बोलोगे सब कुछ, ये तरीका अच्छा है। फुल स्पर्म एंटर्स, द एंटायर स्पर्म एंटर्स इनसाइड द ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट। दिस इज अ मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन है कि खाली हेड एंटर करता है, ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा स्पर्म एंटर करता है, विल कम इनसाइड हियर। फ्यूजन सिर्फ न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, आपको पता है ना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए देगा। दो चीजें एंटर करती हैं स्पर्म से, द फर्स्ट इज न्यूक्लियस, द अनदर वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दैट मीन्स द होल ऑफ द स्पर्म विल एंटर, पूरा, ठीक है। अब ये गलती नहीं करेगा कोई भी, आपको बता दिया है मैंने कि अब आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन पे आते हैं। नंबर 1, एक्रोसोम कंटेन्स स्पर्म लाइसिन, आई थिंक सबको पता है ये, एक्रोसोम कंटेन्स स्पर्म लाइसिन, कंटेन्स स्पर्म लाइसिन, आपको पता है ये स्पर्म लाइसिन के नाम आप जानते ही हैं, ठीक है, ZPE, सॉरी जोना लाइसिन है, CPE है, सो सारे के सारे ये तुम्हारे वो है, ठीक है। दूसरा है आपका, स्पर्म एंटर्स इंटू पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन, इसमें क्या करता है, स्पर्म जो करता है एंटर कर जाता है पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन में। आपने देखा ना पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन कहां पे थी, पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन में, जोना पेलिसिडा के बिल्कुल बाद में, जोना पेलिसिडा, पेरीविटिलाइन स्पेस देखो कहां पे है, ये देखो, सॉरी ये रहा, दिस इज पेरीविटिलाइन, ये देखो ये पेरीविटिलाइन स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये सारा का सारा स्पेस जो है पेरीविटिलाइन है, ये वाला। तो अब स्पर्म जो है वो यहां एंटर कर, मैं यहां पे एक स्पर्म बना देती हूं ऐसे करके, सो दैट आपको समझ में आ जाए, यहां पे
यहाँ पे स्पर्म जो है वो एंटर कर गया है पेरिविटलाइन स्पेस में, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और चीज होगी, अब स्पर्म जो है स्पर्म के जो सरफेस पे एक जो चीज है वो एक्सपोज होगी, सॉरी। चलो नाउ आफ्टर आफ्टर सॉरी इसको ऐसे होना चाहिए था। अब आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन, आफ्टर एआर एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म के सरफेस पे ना एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फर्टिलिन। क्या बोला मैंने, क्या नाम होता है उसका, फर्टिलिन। आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है फर्टिलिन दैट इज एक्सपोज्ड, जिसकी वजह से वो ऊलेमा से बाइंड करता है। ये तो क्लियर हो रहा है ना आपको, ये तो बड़ी इजी सी बात है, तुम सोच के देखो खुद ही। अब ये देखो यहाँ पे पेरिविटलाइन में एंटर कर गया है ये, उसके आगे कौन सी मेम्ब्रेन है, विटलाइन मेम्ब्रेन है ये, मतलब ये नंबर वन है, ये नंबर टू है। सो पहले नंबर टू पे आया वो, विटलाइन स्पेस पे आया, फिर नंबर वन पे आएगा। इसके लिए उसको फर्टिलिन प्रोटीन का रिलीज होना बहुत, फर्टिलिजिन कोई नहीं लिखेगा फर्टिलिजिन इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि फर्टिलिजिन इज अ पिछला वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन है। फर्टिलिजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज बाय, बताओ बताओ, फर्टिलिजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज बाय, कौन रिलीज करता है उसको, एग करता है या स्पर्म करता है? हाँ शाबाश, जल्दी बताओ। हाँ फर्टिलिजिन, वेरी गुड गौतम, वेरी गुड। ओवा, उसको कौन रिलीज करता है, ओवा रिलीज करता है, ठीक है ना। हाँ वो फिरोमोन है आप कह सकते हो। सो आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन फर्टिलिन, हाँ प्लीज फर्टिलिन इसको अच्छे से वो कर लेना, फर्टिलिन अ प्रोटीन, हाँ फर्टिलिन प्रोटीन इज एक्सपोज्ड, प्रोटीन इज एक्सपोज्ड ऑन स्पर्म्स सरफेस, ऑन स्पर्म्स सरफेस, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा ये, जिसकी वजह से बाइंड कर जाएगा ये ऊलेमा से, ठीक है ना। प्रोटीन बाय विच इट बाइंड्स टू ऊलेमा, बाय विच इट बाइंड्स टू ऊलेमा, इट बाइंड्स टू ऊलेमा। क्लियर हुआ सबको ये, डन। ये क्या, किसे बाइंड कर जाएगा, ऊलेमा से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये आपका एक्रोसोमल रिएक्शन का एक मेजर हैपनिंग है, फर्टिलिन प्रोटीन। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, ओके। अब ये जो है, दिस स्टिमुलेट्स कॉर्टिकल रिएक्शन एंड एग एक्टिवेशन, दिस स्टिमुलेट्स कॉर्टिकल रिएक्शन एंड एग एक्टिवेशन, जो मैंने आपको बोला है कि एक साथ में होते जाएंगे, दोनों ही एक साथ होंगे, एग एक्टिवेशन, कॉर्टिकल रिएक्शन और एग एक्टिवेशन को स्टिमुलेट कर देगा ये, ठीक है। डन है, इतना हो गया सबका, बस थोड़ा सा बचा, अब दो स्टेप्स की बात बची। अच्छा हमारा टाइम भी हो गया, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला आज, मुझे पता ही नहीं चला आज टाइम का, तुम्हें पता चल रहा है टाइम का? सच सच बताना कौन कौन नोट्स बना रहा है। चलो शाबाश, मैं रैपिड फायर लूंगी अब जल्दी जल्दी से, यहाँ पे तो इतने सारे क्वेश्चन है पूछने को, रैपिड फायर की बरसात हो सकती है यहाँ पे। हाँ हाँ बताओ बताओ, बना रहे नोट्स बना रहे हो, बना रहे हो नोट्स, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, यस यस यस, आई कैप्टन, एज आई कैप्टन, यस वी आर मेकिंग नोट्स, या बना रहे हो ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो बस अब थोड़ा सा बचा है, अभी हमने क्या कर लिया, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट, वी हैव डन कैपेसिएशन, हमने कैपेसिएशन कर लिया, हमने कीमो अट्रैक्शन भी कर लिया, हमने एक्रोसोमल रिएक्शन भी कर लिया, अब हमने कॉर्टिकल रिएक्शन और एग एक्टिवेशन करना है। सिनगैमी में तो कुछ भी नहीं है, कॉर्टिकल रिएक्शन देखते हैं अब, चलो ठीक है। आई कैप्टन नहीं आई, ये बच्चे ना प्रूव कर देंगे ये मैम के ही बच्चे हैं, आई कैप्टन, कितना अच्छा अच्छा डायग्राम नहीं बना आज, ऐसे बड़ा ऐसा लग रहा है। ओफ कॉर्टिकल रिएक्शन में तुम्हें बताऊं, शॉर्टकट बताऊं कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब ये है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मतलब स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये, आके फ्यूज करेंगे ऊलेमा के साथ में और कैल्शियम का वो होगा, इन्फ्लक्स होगा और जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगी, बस खत्म, इतनी सी बात है, समझ आ गया, इतनी सी बात है बस, बहुत ईजी है। हाँ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है मैम स्पर्म में, बेटा ये क्वेश्चन तो आप लेट पूछ रहे हो, इसको तो हम बता चुके, तुम्हारे बच्चे बता देंगे, यहाँ पे हमारे बच्चे बता देंगे इसका आंसर, ये तो बहुत ईजी है ये। तो अभी है नेक्स्ट, कहता है
कॉर्टिकल रिएक्शन जो कि बहुत इजी है. कौन सा नंबर चल रहा है यार ये? फोर्थ है ना? 1 2 3 4 है ना, फोर्थ नंबर है ना ये. फटाफट से लिखो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा. हम लोग पढ़ के आए हैं इसको कि क्या करेंगे इसमें. इनफ्लक्स ऑफ, हाँ क्या करेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन में, हाँ वो देखो हमारे बच्चों ने लिख के बता दिया यहाँ पे. हाँ मानसी मैंने नहीं देखा तेरा कमेंट क्या है. इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस बेटा, ठीक है ना. कैसे होगा? एक्सोसाइटोसिस बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. हाँ एक्सोसाइटोसिस बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, है ना. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, जो मैंने आपको बता दिया था ना, जैसे ऐसे करके वो बाइंड नहीं कर रहे थे ऐसे करके, तो ऐसे करके वो क्या करेंगे, कैल्शियम आयंस को रिलीज कराना शुरू कर देंगे. कैल्शियम आयंस को रिलीज कराना शुरू कर देंगे. इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस एक्सोसाइटोसिस बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एंड एज अ रिजल्ट द ज़ोना पेल्यूसिडा हार्डन्स. एज अ रिजल्ट ज़ोना पेल्यूसिडा हार्डन्स. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस कंडीशन को हम लोग, जल्दी लिख के बताओ. इस कंडीशन इज नोन एज, दिस इज नोन एज का शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज नोन एज स्लो और परमानेंट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. मजाल तुम इसमें कोई गलती कर जाओ, अब कोई गलती नहीं करेगा इसमें कभी भी, ठीक है. परमानेंट ब्लॉक है स्लो ब्लॉक, दिस स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये आपका कॉर्टिकल रिएक्शन है. समझ आ गया सबको? डन. चलो ठीक है मानसी, म्यूजिक पे किया मैं, चेक करूंगी. ठीक है ज़ोना पेल्यूसिडा. अच्छा चलो तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं. ज़ोना पेल्यूसिडा इज नाउ नोन एज डैश मेम्ब्रेन. ज़ोना पेल्यूसिडा नाउ इज नोन एज डैश मेम्ब्रेन. चलो लिख के बताओ नेक्स्ट स्टेप है. ज़ोना पेल्यूसिडा इज नाउ नोन एज डैश मेम्ब्रेन. चलो शाबाश, लिखो क्या कहेंगे इसको. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. क्या कहेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, राइट. इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. डन, राइट, वेरी गुड. अच्छा नंबर 5, एग एक्टिवेशन. ये बहुत आसान है स्टेप, एग एक्टिवेशन. आप लोगों ने, हमने हजारों बार डिस्कस किया है और इस पर हजार तरह के क्वेश्चन आते हैं. नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो फटाफट से सबसे पहला और मेन पॉइंट, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं. ये ले लेते हैं. एंटायर स्पर्म एंटर्स इन द एग साइटोप्लाज्म. एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म. ठीक है, पूरा का पूरा स्पर्म जो है बेटा वो एंटर करेगा अंदर में. ठीक है, नाउ सेकेंड इज कौन सा फैक्टर ब्रेक होगा? मेटाफेज. हाँ, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर MPF. मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो होगा दैट क्या लिखेंगे इसको, ब्रेक्स डाउन. MPF ब्रेक्स डाउन, है ना. MPF क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. MPF स्टैंड्स फॉर मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर. ठीक है, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर. ठीक है, आपको याद है ना सेकेंडरी ऊसाइट के बारे में? याद है कितने लोगों को याद है सेकेंडरी ऊसाइट के बारे में? सेकेंडरी ऊसाइट में कौन सी स्टेज पे डिवीजन रुक गई थी बताओ? सेकेंडरी ऊसाइट में कौन से स्टेज पे डिवीजन रुक गई थी? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. इट वाज डिप्लोटीन. नहीं पार्वती, डिप्लोटीन तो वो तो बचपन में था. हाँ डिप्लोटीन तो बचपन में था. हाँ हाँ, ये देखो कितना कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में. मेटाफेज टू में देखो डिप्लोटीन में होता है, वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में लगता है ना, और वो प्यूबर्टी के टाइम पे जब एक एक एग मेच्योर होता है फिर वो खुल जाता है, तब वो डिप्लोटीन से स्टेज वहीं पार हो जाती है. हाँ ये है मेटाफेज टू. मेटाफेज टू में अब वो टाइम आ गया है जब मेटाफेज टू जो है वो आगे क्रॉस करेगी आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म.
डिड यू लिसन? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है. आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ये वो वाला स्टेप है जब मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो है वो रुक जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक्स डाउन. अब वो मेटाफेज टू से बाहर निकल गया. अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि स्पर्म की एंट्री के बाद रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं, याचना ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, है ना. एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है अब वो लगेगा, अब एनाफेज को प्रमोट करेगा वो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. और आपको पता है एनाफेज लगेगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा, एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा, फिर आपका कैरियोकाइनेसिस पूरी हो गई, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर एग बन गया. एंड नाउ क्या रिलीज होगा, जल्दी बताओ. मैच्योर ओवम एंड डैश इज रिलीज्ड, बताओ. मैच्योर ओवम एंड डैश इज रिलीज्ड, ओवम एंड डैश इज रिलीज्ड. चलो शाबाश, जल्दी बताओ. ओवम के साथ साथ एक और चीज रिलीज होगी, जल्दी बताओ. सेकेंड पोलर बॉडी, संजय वेरी गुड. सेकेंड पोलर बॉडी क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज हो जाएगी यहां पे. अब हमारे पास एग आ गया, नाउ यू टॉक, नाउ लेट्स ब्रिंग ऑन द क्वेश्चंस, नाउ यू सॉर्टेड, दिस इज व्हाट फर्टिलाइजेशन इज. अब अगला स्टेप तो आपको तो पता ही है अगला स्टेप क्या है, अब वो तो ईजी है, पता है ना अगला स्टेप तो. समझ आया, पता है ना ये स्टेप तो, बस सिंपल. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज, चल मैं हट जाती हूँ एक बार पीछे, देख लो यार, तुम देख लो इसको, और शायद तुम स्क्रीनशॉट भी लेते हो तुम लोग. द लास्ट स्टेप इज दैट इज सिनगैमी, एंड सिनगैमी में हमें पता है कि क्या होता है बच्चा. सिन वर्ड का मतलब ही होता है फ्यूजन, गैमी मतलब गैमिट्स. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड ओवम क्या हो जाएंगी, वो डिमिनिश हो जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएंगी बिल्कुल, आर लॉस्ट, है ना, आर लॉस्ट. एंड फ्यूजन ऑफ द प्रो न्यूक्लियाई ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमिट्स, एंड देयर यू गो, एंड अ मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियाई फ्यूजेस, मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज, there you go. That is it. So that's what fertilization is, huh? तो ये सारा आपका fertilization है, ये सब कुछ होता है, right? Done हो गया, done है सबको, हाँ जी हाँ जी. प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है, ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट, इसके बाद में एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, consequences, है ना, ये बहुत ही छोटा, तीन steps का है ये. consequences of fertilization क्या होते हैं, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, है ना. तो देखो जरा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, जल्दी बताओ, शाबाश, किसकी फॉर्मेशन होगी. नंबर वन, बताओ बताओ, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड, क्या बनेगा, जल्दी 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 बताओ, शाबाश. क्या बनेगा, हाँ 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 हाँ, जाइगॉट, वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ जाइगॉट, या जाइगॉट का फॉर्मेशन, जाइगॉट इज फॉर्म्ड. जाइगॉट क्या है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, आओ जरा देखें, जाइगॉट यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, चलो शाबाश जल्दी बताओ, हाँ हाँ हाँ, जाइगॉट यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, हाँ यूनिसेलुलर, वेरी गुड, इट इज यूनिसेलुलर, जाइगॉट इज यूनिसेलुलर. इट इज ऑल्सो टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट है, इट कैन गिव राइज टू एनीथिंग, तो कुछ भी दे सकता है, सो इट इज टोटीपोटेंट, जाइगॉट इज टोटीपोटेंट, यूनिसेलुलर है, टोटीपोटेंट है, कुछ भी बना सकता है, राइट. अनदर थिंग विच इज है, इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशंस, मदर एंड द फादर, विच आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट लाइन्स, दो डिफरेंट हेरिडिटी लाइन से आ रहा है. तो इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द टू जनरेशंस, बिकॉज जाइगॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू जनरेशंस. आओ जरा, तो इसको हम इसे लिखो, वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशंस, ठीक है. कभी कभार ऐसे पूछ लिया आपको, वैसे तो क्या ही है, बट आप पता होना चाहिए कि वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशंस,
ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे होती है बच्चा, द सेकंड स्टेप विच हैपेंस हियर इज डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स हो जाता है इसी टाइम पे हो जाता है, कि कईयों का क्वेश्चन होता है ना कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है कब होती है, तो इसी स्टेप पे हो जाती है। बड़ा ही सिंपल सा चीज है यार, इसको बड़े सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। आपको पता ही है 22 प्लस एक्स, ये तो हो गया आपका ओवम। स्पर्म होंगे दो तरीके के, एक होगा 22 प्लस एक्स स्पर्म, एक होगा 22 प्लस वाई स्पर्म, ठीक है। अब आपको पता ही है, इसमें तो आपको पता ही कि क्या होगा, ये होंगे फॉर्म, तो 44 प्लस डबल एक्स फीमेल चाइल्ड, ये और ये फ्यूज होगा तो 44 प्लस एक्स वाई मेल चाइल्ड, ठीक है, डन। द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप विच वुड हैपन हियर इज एम्ब्रियोजेनेसिस बिगिंस। यहां पे क्या शुरू हो जाएगी बेटा, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस बिगिंस, राइट। सबको समझ में आ गया ये, डन। हां जी डन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करें थोड़े से। डन। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखें जरा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। पानी पी लो, आपकी परमिशन हो तो पानी पी लो थोड़ा सा। अब एम्ब्रियोजेनेसिस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे। तो फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी से। हमने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से शुरू किया था हमने, ये स्टेप्स थे हमारे, ये सारे छः के छः स्टेप्स थे, हमने यहाँ से शुरू किया था कैपेसिएशन, कीमो अट्रैक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, एग एक्टिवेशन एंड सिनगैमी, ठीक है। फिर ये कैपेसिएशन किया हमने, उसके बाद हमने कीमो अट्रैक्शन किया, फिर हमने एक्रोसोमल रिएक्शन देखा, इसमें क्या क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ पे हाईलाइट भी करी हैं, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सेकेंडरी ऊसाइट का डायग्राम है, दिस इज एग का डायग्राम, सेकेंडरी ऊसाइट कह सकते हो तुम उसको, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी जो है वो दिखा रहा है ये, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, फिर एग एक्टिवेशन हुआ, आप देख लो इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिनगैमी हुआ लास्ट इवेंट। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ जरा, कैसे करेंगे, हाँ चलो आओ जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा बाय द वे एनसीईआरटी में आपका ये वाला है ना सेक्शन, दिस इज अ सेक्शन विच इज देयर इन द एनसीईआरटी, तो उसको देखना है, इसको पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो नीट पीवाईक्यू आइए जरा, चलो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, 2016 में आया क्वेश्चन ये, चलो। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, हाँ गो 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 गो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, हाँ डी इज अ करेक्ट आंसर। अरे नहीं यार, ए करेक्ट आंसर, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ए करेक्ट आंसर है। खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन में आ गया ये। डी करेक्ट आंसर है, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। अरे ए ही करेक्ट आंसर हो गया, मैं तो तुक्का मारा था ए, बट एम्पुला। अच्छा ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये जिन हमारे बच्चों को कंफ्यूजन था ना, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने तो यार एम्पुला बताया था और इसमें तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखा है, तो ईयर देखो कौन सा है, 2016, दैट मीन्स लास्ट के दो साल में अमेंडमेंट हुई है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड यू आर कमिंग अक्रॉस दिस क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन वुड बी रॉन्ग, एम्पुला होगा इसका आंसर, ठीक है, हाँ एम्पुला होगा, वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कैपेसिटेशन अकर्स इन, चलो शाबाश, कैपेसिटेशन अकर्स इन, ये देखो ऐसा क्वेश्चन था एग्जैक्टली पहले पूछा था, कैपेसिएशन या कैपेसिटेशन अकर्स इन,
ऑफ कोर्स दिस इज द वन एंड ओनली आंसर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. कहाँ आकर होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आकर होती है. और अगर हम लोग यहाँ पे देखें एपिडिडाइमिस में तो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स लगते हैं, यहाँ पे वो होती है. ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर अ स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड एन ओवम इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय. चलो शाबाश, जल्दी से. आई थिंक इट इज अ इजी क्वेश्चन यार. तो आज अच्छा लेक्चर अच्छे से लगाया तुमको, तुम दे पाओगे इसका आंसर. हाँ, गो 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 गो, शाबाश 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 शाबाश, गो ऑन. सी पक्का, पक्का सी आंसर है. एंड सी इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच इज जब जोना पेल्यूसिडा हार्ड हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं. तो क्या मुझे, कौन मेरा इंटेलिजेंट बच्चा मुझे लिख के बताएगा कि मैम ये स्लो ब्लॉक है या फास्ट ब्लॉक है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना? चलो शाबाश, स्लो ब्लॉक होगा या फास्ट ब्लॉक का केस होगा ये? चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, कौन बताएगा हमारा बच्चा? देख लिया मैंने विनर को अभी, पर मैं अभी बताऊंगी नहीं. हाँ चलो चलो चलो, टाइप करो. शाबाश, हाँ हाँ, वेरी गुड. सो हमारा इंटेलिजेंट बच्चा है शुभांगी. शुभांगी ने सबसे पहले आंसर दिया था स्लो ब्लॉक लगेगा. ये क्या, कौन सा ब्लॉक होगा? स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगा. फास्ट ब्लॉक तो डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन था, स्लो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज ट्रू. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज ट्रू. मैं हट जाती हूँ थोड़ा साइड में. हाँ लो, अच्छे से पढ़ो इसको. हाँ, क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर देना. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में ये टू न्यूक्लियाई लिखा हुआ है जो मेरे से छुप रहा है. ये पीछे जगह नहीं है, मैं जा नहीं सकती पीछे. हाँ, गो 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 गो, शाबाश. आलिया मैं देख रही हूँ बेटा, तुझे भी देख रही हूँ. मैम तो एक ही है ना, सबका नाम नहीं ले सकती है, बट देख सबको रही है वो. हाँ, ए पक्की बात है. और ए आंसर है पक्का, ध्यान से पढ़ लो एक बार. द एंट्री ऑफ द स्पर्म एक्टिवेट्स एग फॉर. हो पक्की बात, लॉक कर दिया जाए. हाँ पक्की बात है, एंड बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए इसको. द एंट्री ऑफ द स्पर्म एक्टिवेट्स द एग फॉर कंप्लीटिंग मियोसिस. आपको पता है एमपीएफ को वो हटा देता है और एपीसी को एक्टिवेट कर देता है. बड़ी सिंपल सी बात है. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, बी क्यों नहीं है? ओनली वन स्पर्म रीचेस द एग एंड एंटर्स इट. पागल हो गए हो क्या तुम? एक स्पर्म थोड़ी आता है एग तक. एग तक तो बहुत सारे स्पर्म करते हैं, एंटर पहुंचते हैं, एंड ओनली वन स्पर्म एंटर. ऐसा होता कि मेनी स्पर्म रीचेस द एग एंड ओनली वन एंटर्स इट, तब ये सही हो जाता. समझ आ गया? अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म. दिस हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म. चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, गो गो गो, वेरी गुड. हाँ सी पक्की बात है. हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म एग. हाँ स्पर्म लाइसेंस. हाँ स्पर्म लाइसेंस करते हैं. एंटी फर्टिलाइजेशन तो भाई, एंटी फर्टिलाइजेशन तो स्पर्म रिलीज करता है. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा कहाँ है? ये तो हमको तो पता ही चल गया अब तो. सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर. और अभी आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं, जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा. सो दिस पीडीएफ यू विल गेट, हाँ, जो कि सर ने बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से. और लड़े जिसके भी गो थ्रू चले जाते हैं, कोई नई चीज़ है तो उसमें वो देख लेते हैं. ये आप देख चुके हैं ऑलरेडी. ओह ये नहीं है, ये इसको पिछले वाले को डिस्कार्ड कर दो, वो नहीं है, वो गलत है. एम्पुलर इस्थमस जंक्शन नहीं है, एम्पुला है. ठीक है, सो स्टेप इन फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको पहले वहाँ पे भी बता दिए कि क्या क्या है. ठीक है, सो ये इंसेमिनेशन के बारे में लिखा है, कैपेसिटेशन के बारे में लिखा है बेटा, तो आप ये भी देख लेना. वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड ओवम की कितने टाइम तक रहता है, ठीक है, वो भी देख लेना. राइट, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म, ये फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बात किया है. ये आपके जोना स्पर्म लाइसेंस के बारे में बात किया है. ठीक है,
ये हम सब पढ़ चुके हैं ना, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वगैरह, तो ये आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इसमें नोट्स में से इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको मिल जाएगा, तो डायग्राम का भी काफी आपको हेल्प हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप ये डायग्राम आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी है फॉर योर रेफरेंस, इसमें जाइए देखिए इसको एनसीईआरटी को, आपको काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा इसमें से काफी कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, डन है ना आज का, थक गए भाई आज तो, तमाम गया, समझ में आया तुम्हें तो। थैंक्स फॉर बीइंग कूल गाइस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी आने के लिए, जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, और सब एनसीईआरटी इज द बेस्ट। लाइन नहीं मिली आगे, अब कुछ तो मैं बोल नहीं सकती, आई डोंट नो, माई सिनेप्सिस आर वीक नाउ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, एंड वही आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ, हमारा बहुत अच्छा वेदांतु इज मेकिंग प्रॉमिस टू यू दैट It will take care of all of your studies, taking the guarantee, सब कुछ guarantee भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको बस कुछ क्या करना है, आपको जाके बस ये लेना है, plan है, चाहे आपको ये suit करता है तो आप ये ले लो, आपको ये plus suit करता है, personal mentor की जरूरत है तो ये ले लो, otherwise आप ये ले लो, लेकिन ले लो, ठीक है, try करके देखो, अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट नहीं है, सो योर मनी विल बी गिवन बैक, राइट। और 28 जून से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सो डोंट वेट अप एंड जस्ट गो अहेड एंड टेक इट। अगर आपको लगता है यार मैं दो साल के लिए नहीं लेना चाहता हूँ अभी, या नहीं लेना चाहती हूँ, आप एक महीने के लिए भी ट्राई कर सकते हो, 3600 में मिल रहा है, इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, जस्ट गिव इट अ गो, एक बार ट्राई करके तो देखो, ठीक है। हाँ, और ये वेदांतु प्रॉमिस कर रहा है आपसे, प्रॉमिसिंग, आई डोंट थिंक सो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स यू, पूरा जिम्मा उठा रहे हैं, सो दिस इज, अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हो फिर भी आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आती, आपकी इज गोइंग टू गिव योर मनी बैक, ओके। सो या गो अहेड एंड गिव इट अ ट्राई, या ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है गाइस, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया इसको भी ज्वाइन कर लो, ये हमारा ऐप है, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया इसको भी डाउनलोड करो। वीडियो को लाइक कर दिया सबने, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से, लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मैम आप अपनी कौन सी बुक रेफर करती हूँ, ये सीक्रेट है ये थोड़ी बताएंगे आपको आप बस पढ़ लो, है ना, आपको जो ये एक बुक से नहीं है मटेरियल, ये बहुत सारी बुक से लिया गया मटेरियल, ये कोई भी एक बुक नहीं है ये, ठीक है। तो तुम पढ़ो और मिलते हैं, कल मिलते हैं शाम 7 बजे, नेक्स्ट इसका पार्ट लेंगे, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस लेंगे इसका, ठीक है। चलो ओके, बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बच्चा, बाय एवरीबॉडी।